दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म पठान बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। फिल्म क्रिटिक्स कह रहे हैं कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जहां 700 से 800 करोड़ कमा लिए तो वहीं आईएमडीबी के अकॉर्डिंग फिल्म ने सिर्फ 180 करोड़ कमाए और तो और फिल्म को ऐसी रेटिंग मिली जिसे आप सोच भी नहीं सकते। बताएंगे क्या है पूरा मामला, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। शाहरुख जॉन और दीपिका की फिल्म पठान ने सचमुच पूरी दुनिया के थिएटर्स में आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो अब बताया जा रहा है कि फिल्म की ग्रॉस इनकम 800 करोड़ पार कर चुकी है और केजीएफ 2 और बाहुबली जैसी फिल्मों को पीछे भी छोड़ चुकी है। वेल ग्रॉस इनकम का मतलब होता है कि उसमें टैक्स डिडक्शन नहीं हुए, तो वहीं आईएमडीबी का कुछ और ही कहना है कि फिल्म ने सिर्फ वर्ल्ड वाइड 180 करोड़ की कमाई की है। आपको बता दूं कि यहाँ ग्रॉस इनकम की बात हो रही है ना कि नेट इनकम की, यानी इंडिया में ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में काफी डिफरेंस है। आईएमडीबी के अकॉर्डिंग फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई अमेरिका और कनाडा में, क्योंकि एसआरके के सबसे ज्यादा एनआरआई फैंस वहीं हैं। जहां फिल्म का बजट 250 करोड़ प्लस है तो फिल्म सिर्फ 180 करोड़ कमा पाती। तो फिर बात ये आती है कि इसकी इतनी झूठी हाइप क्यों क्रिएट की गई। और तो और जहां केजीएफ 2 को 8.3, आरआरआर को 7.9, कांतारा को 8.4 की रेटिंग मिलती है तो वहीं पठान को 6.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिलती है। वैसे आपको क्या लगता है, पठान का कलेक्शन फेक है या रियल?